रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला अपराध की रोकथाम को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। पौरी में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय रेस्ट हाउस में क्षेत्र विधायक कैलाश कुशवाहा को मध्य प्रदेश महिलाओं और अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या की बढ़ रही घटनाओं की रोकथाम को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं के अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं आम हो गई है। महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश स्तर पर एक नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में पौने तीन साल में 1000 के करीब बलात्कार की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें बलात्कार और गैंग रेप की घटनाओं के कारण छोटी छोटी बच्चियों छात्राओं का स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना मुश्किल हो गया है, जहां परिवार के मुखिया हमेशा इस बात से चिंता में रहते हैं कि उनके बच्चे कहीं न कहीं अनहोनी के शिकार न हो जाए। प्रदेश में कई जिलों में बीते माह कई घटनाएं सामने आ चुकी है। वहीं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि इन घटनाओं की रोकथाम हेतु कड़ी और प्रभावी कदम उठाया जाए। प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ ऐसे प्रयास करे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और महिलाओं और बालिकाओं का जीवन सुरक्षित हो सके। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी, अंकित राजे, दीवान सिंह बखील सहित आधा सैकड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहाड़ी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा विधायक जी को जो ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कारण और क्या कुछ इसका निराकरण निकलेगा? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाया गया। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के हालात हैं, महिलाओं पर बालिकाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हमारा ग्वालियर चंबल संभाग हो चाहे संपूर्ण मध्य प्रदेश, चारों तरफ महिलाओं पर अत्याचार बालिकाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और तो और स्थिति ये आ गई है कि अब बालिकाओं को हम बाहर अपनी घरों के बाहर भी नहीं निकाल सकते, वो वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेके हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संपूर्ण जिले भर में अपने अपने विधायकों को, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा बेटी बचाओ अभियान के तहत कि वो हमारी मांगों को प्रदेश स्तर पर और विधानसभा स्तर पर उठाएं और जहां तक संभव हो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो तो अपने कड़े से कड़े कदम उठाएं और महिलाओं को सुरक्षित करें। इसी को लेकर आज हमने समस्त कांग्रेस जन इकट्ठे हुए और पूरे पौरी विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षगण, पूरे कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस, NHUI सब लोग इकट्ठे होकर अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी अपने विधायक के समक्ष।